पाकिस्तानी कव्वाल, पाकिस्तान पाकिस्तानी कव्वाली की तारीख में एक ऐसे कव्वाल भी हुए हैं जो अपने फन में साहिब तर्ज थे। कव्वाली गायकी में जो स्टाइल उन्होंने दिया वो आज भी यूनिक है। 1947 में आगाज से लेकर 2000 में वफात तक उन्होंने 53 साल तक इस फन को अपने ही अंदाज में अदा किया और कव्वाली की चाहने वालों से दाद वसूल की। उर्दू, फारसी और फलसफे में अंडरस्टैंडिंग की वजह से अक्सर गाते हुए शायरी इम्प्रोवाइज भी कर लेते थे। अजीज मियां कव्वाली के जीनियस थे। उनके सौनी के साहबजादे हमारे आज के मेहमान हैं जो बाप अपने वालिद की इस रिवायत को जारी रखे हुए हैं। तबरेज अजीज मियां साहब, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? अल्लाह का फजल। आप एक बड़े खानवादे से और बड़े वालिद की औलाद हैं तो बड़ी भारी जिम्मेदारी आप पे तो आ चुकी है। तो है, शुरू में मैं पहले तो बड़ा मशकूर हूँ, ममनून हूँ कि पीटीवी का और रात गए की टीम का और शाहजी आपका, डॉक्टर साहब का, कि आप लोगों ने मुझको इधर दावत दी और इस बाबरकत महीने में कोई कुछ पढ़ने के लिए कहा, सुनाने के लिए कहा। ये तो मुबारक महीना है, इसमें आरजुएं तमन्नाएं पूरी होती हैं, बड़ी नवाजिश इनायत। और इसमें कोई शक नहीं, जैसे आपने कहा शाहजी के वाकई बड़ी भारी जिम्मेदारी आयद है और लेकर चले हैं मियां, अल्लाह फजल कर रहा है, परवरदिगार की मेहरबानी है। जरूर आज नाज़रीन जो मशहूर कव्वालियां हैं नबी नबी या नबी नबी और दीगर भी जो अजीज मियां जी की कव्वालियां थी वो सारी सुनने को मिलेंगी। जो उनके फैन थे और हैं उनके लिए भी आज ट्रीट है और जो लाजिम बात है मदह रसूल के हवाले से तो है ही है। नाज़रीन, एक छोटे से वक्फे के बाद आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खुर्शीद रिज़वी साहब, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब तबरेज अजीज मियां साहब। छोटे से वक्फे के बाद आपकी जी बिल्कुल आदत में से उस पर हम क्यों, तो उस पर हम इस पहलू पर इंशाल्लाह उस पर हम वापस आएंगे तो गुफ्तगू करेंगे। जनाब तबरेज साहब जी, कहाँ से आगाज? मैं हमदे बारी ताला आप सामने पेश करता हूं। बिस्मिल्लाह। ये आपके फादर की गाई हुई है या आपकी अपनी? नहीं, ये हम लोगों की बनाई हुई, वालिद ने भी पढ़ी है, मेरा भी ये कैसेट मार्केट में आ गया है। हाँ जी, वीडियो भी ऑडियो भी। ठीक है, तो मैंने कहा आज उसी से ही शुरू किया जाए। हाँ, मैं देख रहा था अभी जब आप पढ़ रहे थे तो बिल्कुल आपके नैन नक्श, आपका ओवरऑल जो आपकी अपीयरेंस तो है, आवाज भी, और वो आपका घुटनों के बल खड़े होके खास तरह से कुछ उसको अदा करना भी बिल्कुल अजीज मियां साहब की याद दिलाता है। खुदा बुजुर्ग बरतर का कमाल है, बस अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। बिस्मिल्लाह। बड़ी Yeah।
निसार मुझे जो अता किया तूने, ऐ अल्लाह तेरे निसार मुझे जो अता किया तूने, करम किया मुझे अपना बना लिया तूने, तेरे निसार मुझे जो अता किया तूने, करम किया मुझे अपना बना लिया तूने, जहाँ कहीं मेरे कदमों में लग्जिशें आई, जहाँ कहीं मेरे कदमों में लग्जिशें आई, तेरे निसार वही आसरा दिया तूने, इसी अधा पे तेरी मर मिटे ये दीवाने, ऐ अल्लाह खता हुई तो खता को छुपा लिया तूने, अल्लाह बहुत बड़ा है। खुदा के लिए है बशर सना के लिए, तमाम हम्द सदाबार है खुदा के लिए, तेरे करम ने वही आके दस्तगीरी की, गुनाहगार के जब हाथ उठे दुआ के लिए, अता के सामने या रब खता का जिक्र ही क्या, के तू अता के लिए है बशर खता के लिए, अल्लाह बहुत बड़ा है। I'm not.
گلشن میں سبا کو جستجو تیری ہے اور بلبل کی زبان پر گفتگو تیری ہے باہر قدرت تیرے انداز جس پھول کو سونگتا ہوں وہ تیری ہے اللہ بہت بڑا ہے رات گئے میں دوبارہ خوش آمدید. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, عزیز میاں صاحب کے صاحبزادے تبریز عزیز میاں صاحب. تو بہت ہی عمدہ قوالی انہوں نے ابھی سنائی اور عزیز میاں صاحب کی یاد جو ہے وہ تازہ ہو گئی. بہت ہی سادہ لفظوں میں لیکن بڑی بات کہ اللہ بہت بڑا ہے.